तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले ख़ानदान के बारे में। सबके ख़ानदान होते ही हैं ऑब्वियसली। ख़ानदान में अच्छे लोग होते हैं, ख़ानदान में बुरे लोग होते हैं, ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, कुछ होते हैं जो खाली तुम्हारी घर में आते हैं तो बेइज्जती करते हैं, कुछ होते हैं बिन बुलाए मेहमान, कुछ होते हैं भाई जो तुम्हें फ्यूचर की तरफ बोल बच्चन करते हैं, कुछ होते हैं भाई कहते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। तुम मेरा इशारा समझ गए। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले। मैं तुम सबके घरानों की तो नहीं जानता भाई ख़ानदान के बारे में, मैं अपनी बात करूँगा ठीक है भाई। तो भाई मेरे ख़ानदान में देखो, मैं सबसे पहले ना अपने मामू का बताता हूँ। मैं तुम्हें कसम से वेरी नाइस बंदे हैं भाई, जो भी कहो ना वेरी नाइस बंदे हैं भाई हमेशा। भाई देखो एक तो सही चीज़ तुम्हें समझाएंगे, बाकी हर चीज़ में तुम्हारी हेल्प करेंगे काफ़ी। भाई देखो मेरे मामू के क्लियर कट बात है, झूठ नहीं बोलूँगा। वो क्या पता ये वीडियो देख भी रहे हो सुन भी रहे हो। भाई मामू काफ़ी अच्छे हैं भाई, सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। अब मैं तुम्हें क्या अगर बताने लग गया ना तो ये वीडियो तो फिर हो गई भाई, बन गई, काफ़ी लंबी जाएगी फिर। तो हम लोग अब आते हैं डायरेक्ट। एक देखो ये तो होगी अच्छी साइड वाले, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक थोड़ी मतलब बुरी साइड भी नहीं है, पर मैं बताता हूँ। देखो एक ख़ानदान में ना लोग हैं, मैं नाम वाम तो नहीं लूँगा और कुछ उनका मतलब रिलेशन भी नहीं बताऊँगा अपना, पर तुम लोग इशारा समझ लेना। कुछ होते हैं ख़ानदान में पता क्या, थोड़े से पैसे के आ जाए ना अपने आप को बड़ा समझते हैं। मैंने ये देखा है, मैंने आज भी मैं गया था ना एक फंक्शन में, अरे पता नहीं कुछ ज़्यादा क्या पैसा क्या आ गया, इतनी अक्कड़, अबे हद हो गई। पता नहीं अपने आप को किस बाप की औलाद समझते हैं, ऐसी अक्कड़ दिखा रहे होते हैं पता नहीं, जैसे पता नहीं पैसा आ गया क्या आ गया भाई, सी अक्कड़। मेरे को ये ऐसे लोगों से बड़ी नफरत है जो पता नहीं क्या समझते हैं। एक एक कुछ है बच्ची खानदान में भाई, नाम वाम तो ऑब्वियसली नहीं लूँगा, तो वो अपने आप को पता नहीं किस बिल गेट की बच्ची समझती है, क्या समझती है ऐसे अपने आप को, क्या मैं बोलूँ ऐसी, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए यार, पर अपने ख़ानदान की बुराई कर रहा हूँ, पर क्या करूँ आज गुस्सा बड़ा आया हुआ है ना, और मैं क्या किसी के साथ बोल नहीं सकता एक्सेप्ट तुम लोगों के साथ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अरे इनको तो एक तो पता नहीं उसको क्या किस बात की अकड़ है, पता नहीं क्या हीरोइन का चेहरा लेके पैदा हुई है या क्या है। हाँ मेरे से तो अच्छा ही चेहरा है, पर फिर भी अरे कुछ हीरोइन वीरोइन का चेहरा थोड़ी ना, लेकिन ऐसी अक्कड़, अरे हद हो गई यार। पता नहीं अपने अपने आप को किस रईस बाप की औलाद समझ रहे होते हैं, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसी अक्कड़, अरे भाई हद हो गई यार। ज़मीन पे भी आ जाओ, इतना भी हवा में उड़ना अच्छी बात नहीं है, पर इन लोगों को कौन ही समझाया। और कुछ मैं ये तो हो गई, देखो ये वाले मैं अब तुम लोगों को अपनी खालाओं के बारे में बताता हूँ। खालाएँ मतलब अभी क्या बोलूँ यार मैं इसको, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अगर कुछ को समझ नहीं आए तो, या तुम लोग कर लेना मेरे को इंग्लिश का यार उसका वर्ड नहीं आ रहा भाई। खाला मतलब होती है आपकी मदर की सिस्टर ठीक है, बाकी तुम लोग अभी समझ लेना जो भी लोग तुम ठीक है। मेरी तीन खाला हैं, एक की तो डेथ हो गई है, तीनों का मैं बताऊँ ना वेरी नाइस है यार, जो भी कहूँ उन्हें पता है भाई मेरे को ये पसंद है। अगर कोई उन मेरी तरफ अगर मेरे घर से कोई जाता है ना उनके घर, भाई मेरे लिए खाना ज़रूर आता है ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। और मेरे को पता है ज़्यादा क्या है ना, खाने के बाद मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो जब भी इनके घर जाओ ना मीठा ज़रूर बनेगा भाई, ख़ास तौर पे मेरे लिए बनता है। और ख़ास तौर पे पता है सालनों में फिर ये लोग क्या करते हैं मेरे लिए, लेग पीस तक रखते हैं भाई, समझ रहे हो इतनी मोहब्बत होती है यहाँ पे भाई। मैं तो नहीं जानता पर मेरे को लेग पीस कसम से बड़े पसंद है ठीक है, हालांकि बोटी उसमें कम होती है चेस्ट से, पर फिर भी यार मेरे को बहुत पसंद है, जो भी कहो यार वो तुम अभी समझ लो। खालाएँ भी यार मेरी वेरी नाइस है यार, बड़ा ख्याल करती हैं, बड़ी वो हैं भाई। मैंने तुम्हें बताया ना कुछ लोग बस यार क्या बोलें, पता नहीं अपने आप को किस रईस समझ रहे होते हैं। एक क्या है नौकरी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, इतना जो थोड़ा सा क्या ज़्यादा पैसा आ जाए अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं भाई, क्या बोलें। बड़ा आज ना कसम से बड़ा गुस्सा है, वरना ये वीडियो कभी बनती ही नहीं। मेरे को पहले भी आया था पर मैं पहले कंट्रोल हो गया था, आज ज़्यादा ना हो नहीं पाया मेरे से ज़रा। उनके सामने तो मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं बोल सकता था ना, और ना किसी अपने ख़ानदान वाले को बोल सकता था, ना अपने घर पे भाई। अब मैंने कहा तुम लोग ही हो, तुम लोगों से ही कर लेते हैं, बाकी तुम लोग बताना तुम लोगों के ख़ानदान में भी कोई ऐसा है या सारी वेरी नाइस है। ऐसा तो नहीं होगा वेरी नाइस वाले मेरे ख़ानदान में ना, वैसे देखो ऐसा नहीं है कोई जो बिन बुलाए मैं मानो ना, ऐसा कोई नहीं है, सारे या तो बता के आएंगे या तो पहली बात बहुत ही कम ही आते हैं भाई, और बहुत ही कम ही आते हैं या तो आएंगे भी तो बता के आएंगे, ये बात है। बस जो भी था मेरे ख़ानदान का मैंने तुम्हें स्ट्रेट टू द पॉइंट बता दिए, बाकी जो गुस्सा था वो भी मेरा निकल गया, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अब जाके सुकून की नींद सोऊंगा भाई, और सुबह उठ के इसको एडिट करके डालने का काम करेंगे।
बाकी तुम लोग अपने खानदान के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना, जितना लंबा कमेंट लिखना हो लिखो, कोई मसला नहीं। अगर यूट्यूब के नीचे कमेंट नहीं लिखना तो भाई तुम लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिख देना मैसेज, पर करना ज़रूर फॉलो ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करना क्योंकि तुम लोगों के कमेंट मेरे को पढ़ना बड़े पसंद है। बाकी यार मैं चलता हूँ, दुआओं में मेरे को याद रखना, और मेरा गुस्सा शांत हो गया, अब सुकून से सोने जा रहा हूँ। ओके बाय।